ऐसे वेद मंत्रों में शर्म शब्द का अर्थ है सुख, जिससे शर्मा शब्द का अर्थ हुआ सुखदाता। अतः शिल्प विद्या से सुखों की उन्नति करने वाले विश्वकर्मा ब्राह्मणों द्वारा शर्मा उपाधि लगाना वेदानुकूल है। वेदादि आर्ष ग्रंथों से सुस्पष्ट है कि शिल्पी विश्वकर्मा लोग ब्राह्मण होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की लिखी संस्कार विधि पुस्तक के नामकरण संस्कार में ब्राह्मण के लिए शर्मा उपाधि लगाने के लिए बताया गया है। अतः इस आधार पर भी शिल्पी विश्वकर्मा लोग अपने नाम के साथ शर्मा उपाधि लगाने के लिए अधिकृत हैं। शिल्पी ब्राह्मणों को शिल्पाचार्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में आज भी सबसे अधिक विश्वकर्मा ब्राह्मण आचार्य सरनेम से जाने जाते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा तथा प्रतिष्ठित घरानों में विवाह, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्य शिल्पी ब्राह्मण आचार्य द्वारा ही कराए।